एडबर्ग कंपनी द्वारा जहां तमाम तरह के रोबोट बनाए जाते हैं जिनका काम कॉमर्शियल इस्तेमाल के लिए होता है, तमाम कंपनियों और तमाम वेयरहाउस के लिए होता है, वहीं एडबर्ग कंपनी द्वारा एक चार पांव से चलने वाला रोबोट भी बनाया गया है जिसे रोबोटिक डॉग्स भी कह सकते हैं। फिलहाल कंपनी द्वारा इसे ट्रैकर का नाम दिया गया है। हमारे साथ कंपनी के इंजीनियर राजेश जी हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह का ये रोबोट है और ये कैसे काम करता है और किन किन सेक्टरों में ये रोबोट काम कर सकता है। सर स्वागत है। सर एडवर्ब द्वारा ये एक नया रोबोट बनाया गया है, किस तरह का रोबोट है, कैसे वर्क करेगा और किस किस फील्ड में वर्क करेगा थोड़ा बताएं। तो ये जैसा देख सकते हैं ये चार पैरों पे चलने वाला रोबोट है, नॉर्मल जैसे पहियों पे नहीं चलता है। तो इसका यही काम है, जैसे अलग सीढ़ियाँ चढ़ सकता है, अलग अलग ऐसी जगहों पे जा सकता है जहाँ पे पहिए उतना कारगर नहीं हो सकते, पहाड़ों पे या फिर ऐसी जगहों पे जहाँ पे फिस मतलब गीली मिट्टी होती है, वैसी सारी जगहों पर। तो उनका मेजर काम है डिफेंस के साथ काम करना या फिर फैक्ट्रियों में भी ऐसी जगहों पे जाना जहाँ तापमान ज़्यादा होता है, इंस्पेक्शन करना, तो उन सब में ये रोबोट्स काम में लाए जाते हैं। तो इनके चार पैर पे जानवर मतलब चार पैर वाले जानवर जैसे डॉग का नाम दे दिया जाता है, कभी चीता का नाम दे दिया जाता है, उस तरीके से रहता है। सर एडवर्ब द्वारा अभी तक जो रोबोट बनाए जाते थे वो लॉजिस्टिक में काम करने के लिए बनाए जाते थे कि जिसमें वेयरहाउस में काम कर सकें, ये इस तरह का है जो हर फील्ड में और हर एटमॉस्फेयर में भी काम कर सकता है, तो ज़्यादातर किन सेक्टरों में इसका जो कारगर रहेगा, किन सेक्टरों के लिए उपयोगी रहेगा ये? उनका मेन उपयोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा 5 kg, 7 kg, 10 kg ही पेलोड कैरी कर पाएंगे, तो जैसे डिफेंस में आर्मी के लिए सामान लेके जाना या ऐसी जगह पे जाना जहाँ पे ज़मीन के नीचे माइंस होते हैं, तो ये पूरा ट्रैक कर सकते हैं, ज़मीन के नीचे पूरा देख सकते हैं कि कुछ है तो नहीं, उसके बाद में जो एक्चुअल सोल्जर जा सकता है तो लोगों मतलब जो फौजी हैं उनका जान बच सकता है। दूसरा इंस्पेक्शन के लिए काम आ सकता है, जैसे फैक्ट्रियों में ऐसी जगहों पर या शिप इंजन्स में, हमें तापमान बहुत ज़्यादा होता है बट लोगों को सिर्फ देखने के लिए जाना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें ही कर सकते हैं। सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं तो आराम से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, पूरी पावर प्लांट में कहीं पर भी सारे जैसे कितना तापमान है, कितना एयर फ्लो है, वो सब देख के बेस स्टेशन पे जानकारी पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे जो चीज़ें हैं वो ये रोबोट। सर जिस तरह से आपने बताया जो और रोबोट होते थे वो सिंपल काम करते थे, ये रोबोट सर्विलांस भी कर सकता है, आर्मी के लिए भी काम कर सकता है, तो इस रोबोट में क्या क्या खासियतें हैं सर्विलांस के लिए, ट्रैकर ट्रैकिंग के लिए या कैमरा वगैरह इनबिल्ट किए हैं, उसके थोड़ा सा बताएं। इनमें अभी जो हमने बनाया है इनमें चार कैमरे लगे हैं, एक आगे की तरफ, दो साइड की तरफ, एक नीचे की तरफ, तो ये पूरा आगे का पूरा व्यू बना सकता है, कहाँ पे जा रहा है पूरा एनवायरमेंट बना सकता है, तो उसके हिसाब से पूरा फीडबैक आप बेस स्टेशन में दे सकता है, तो वो एक चीज़ है। और भी दूसरे सेंसर्स के साथ आप इसको लगा सकते हैं, मतलब आप लाइडार या फिर बहुत सारे जो सेंसर्स अवेलेबल हैं उनको इसमें लगा सकते हैं ताकि आप और कारगर वो कर पाए। कंपनी द्वारा कुछ रोबोट्स ऐसे भी बनाए गए हैं जो हेल्थ केयर के सेक्टर में भी काम कर सकते हैं, राजीव जी से जानते हैं कि किस किस तरह के रोबोट यहाँ पर बनाए गए हैं। सर ये कुछ रोबोट्स दिख रहे हैं जो हेल्थ केयर के लिए काम करेंगे, क्या क्या वर्क होगा थोड़ा सा बताएं। तो ये कोबॉट इनको कहते हैं, कोलैबोरेटिव रोबोट, वो है कि इंसान के साथ काम कर सके, तो इनका काम है जैसे बिल्कुल जैसे मशीन है, मशीन को आप ऐसे पहले रोबोट्स को ऐसे आप छू नहीं सकते थे, वो केज में बंद रहते थे, दूर रहते थे लोग, पर अब मैं चलते हुए रोबोट को रोक पा रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें तो इंसान के साथ काम कर सकते हैं, तो इंसान के ऐसे स्किन तक टच कर सकते हैं, तो इनका मेडिकल हेल्थ केयर में बहुत उपयोगी हैं। जैसे आपको अल्ट्रासाउंड करना है, जैसे हम वो कर रहे हैं एक मैनिक्विन के ऊपर, आपको एक दूसरी जगह पे दूर कहीं पे अल्ट्रासाउंड करवाना है या फिर आपको रिहैबिलिटेशन कराना है या सिंपल पिक प्लेस भी करवाना है, उसमें भी आप अगर बीच में रोकना चाहते हैं, मतलब एक तरीके से रोबोट को इंसानों के पास लाने का कोशिश है, ये ऐसा नहीं कि कुछ मशीन है कि मतलब डर के रहने का बात नहीं है, अगर कुछ रोबोट गलत कर रहा है, इंसान को गलत नहीं लग रहा, तो वो अकोमोडेट कर सकते हैं। तो और हम वियरेबल रोबोट भी बना रहे हैं कि जैसे एक्सोस्केलेटन है उनको पहन सकते हैं, तो जैसे रिहैबिलिटेशन का काम आता है, आप हाथ जिनको नहीं चल पाता तो उनकी थेरेपी करनी होती है, तो उसके लिए काम आते हैं, तो ये भी उन्हीं प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि आप चलते हुए रोबोट को मूव कर सकते हैं। और हम हैप्टिक डिवाइस भी बना रहे हैं जो यहाँ पर है, तो ये किस तरह से काम करती है? तो ये जॉयस्टिक है, नॉर्मल जैसे जॉयस्टिक होती है वही है, पर जैसे रोबोट है, रोबोट जो फोर्स फील कर रहा है
वो ही फील वो वहाँ पे डॉक्टर को या ऑपरेटर को देगा। तो यहाँ पे इसको रोबोट को कंट्रोल करने के भी काम आ सकता है और गेम्स वगैरह में भी और ट्रेनिंग में भी काम आ सकता है। तो जहाँ पे जितना फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स जैसे चलाने वाले को, जैसे यहाँ पे गेम में मैंने हिट किया उतना ही झटका लगेगा। तो ये चीजें, तो ये थे राजेश जी जिन्होंने बताया कि जो एडवर्ब टेक्नोलॉजी द्वारा कुछ नए रोबोट यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं, जिसमें से एक चार पांव से चलने वाला रोबोट है जो अलग अलग एटमॉस्फेयर में काम कर सकेगा, जिसका डिफेंस में और अन्य जगहों पर भी काफ़ी इस्तेमाल हो सकेगा। साथ ही कुछ ऐसे रोबोट्स भी हैं जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी काम कर सकते हैं। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।